जो झूठ बोलते हैं उनको जनता ही पराजित कर देती है। इतने झूठे हर चीज में झूठ बोलते हैं। 49 दिन की सरकार, दिल्ली हुई बेहाल, यू टर्न केजरीवाल। नमस्कार, मैं हूं सचिन वर्मा और बात कांग्रेस पार्टी की होगी क्योंकि दिल्ली में 7 फरवरी को चुनाव होना है, लिहाजा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी अब चुनावी रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं बातचीत करने के लिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। जयप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, दिल्ली में 15 साल सत्ता आपने जरूर संभाली है, लेकिन उसके बावजूद 8 सीटों पर सिमटना या उसके आगे की रणनीति अब क्या है, किस हिसाब से कांग्रेस को परिभाषित किया जाए? हरेक समीकरण हर चुनाव के अलग अलग होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये इतिहास है, हमने ये काम किए हैं और उसके कामों के नाम पर आप आगे वोट मांगते हैं और वायदे करते हैं। लेकिन जो इस बार का चुनाव था वो बड़ा अजीब चुनाव था। दोनों पार्टियों के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ वायदे वायदे थे और यही कारण है कि हम उस चुनाव में हार गए, क्योंकि लोगों ने सोचा शायद ये कुछ बेहतर कर देंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, काला धन आ जाएगा, 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में आ जाएंगे, तरह तरह के वायदे करें। तो मुझे लगा वो एक कारण रहा कि हम, लेकिन जब सरकार चलती है, सरकार बनती है, तो मुझे लगता है कि सरकार अपने हिसाब से ज्यादा देश की जनता को देना चाहती है, उनके उनके लिए अच्छे से अच्छा काम करना चाहती है। तो आपको लगता है कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का, कुछ कमियां रही हैं सरकार के दौरान? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है जो एक बेहतरीन तरीके से सरकार चलनी चाहिए थी वो सरकार चली और काम भी दिल्ली में बड़े जबरदस्त हुए। फिर लोगों का जो रुझान है वो चाहे अच्छे दिनों की ओर गया हो चाहे झाड़ू की ओर गया हो, क्यों गया? हमारे खिलाफ गया। तो आपने अच्छे काम किए, आप कह रहे हैं फिर भी क्यों? मेरे कहने से फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी आदमी दिल्ली देखेगा तो बता देगा 15 साल में दिल्ली का रूप पहले क्या था और अब क्या है। लेकिन बिजली का जिक्र होता है, पानी का जिक्र होता है, झुग्गियों का जिक्र होता है, गरीबों का जिक्र होता है, तो फिर वो चीज भी कांग्रेस को देखनी चाहिए। आप फ्लाईओवर्स का जिक्र करते हैं, आप सड़कों की बात करते हैं, आप बिजली का जिक्र करते हैं, बिजली का टर्नओवर इतना बढ़ा दिया, लेकिन आपको वो चीज भी देखनी चाहिए। बिजली 24 घंटे दिल्ली में थी तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती थी? हमारी कोई जनरेशन कैपेसिटी है नहीं, हम तो सप्लाई लेते हैं और देते हैं, लेकिन उस मांग को पूरा तो किया दिल्ली सरकार। लेकिन आज भी सियासत अगर दिल्ली के कहीं घूम रही है तो वही बिजली पानी, चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, ये बिजली पानी का मुद्दा दिल्ली के अंदर क्या ऐसा मुद्दा बन गया कि जो सियासत में भी ला सकता है और उसे बाहर भी कर सकता है सत्ता में? हो भी सकता है कि क्योंकि ये सीधा घर के बजट पे फर्क गिरता है तो हो सकता है शायद वो ज्यादा मायने रख रहा हो आज की तारीख में। हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूं, मेरा मानना यह है कि हमें ओवरऑल डेवलपमेंट पे बात करनी चाहिए, वो डिबेट आज की तारीख में नहीं हो रही। आपने दिल्ली की सियासत को काफी बारीकी से देखा है, आप लगातार कई बार सांसद भी रहे हैं, लेकिन अगर हम दिल्ली में कांग्रेस का जिक्र करें जो 15 साल तक सत्ता में रहती है, एक फेस था दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित का, आज वो फेस दरकिनार हो गया, तो क्या ये माना जाए कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी विकास के दम पर चुनाव लड़ रही है या फेस के दम पर? नहीं, काम के, मैंने शुरू में बताया आपको, हम जब भी किसी चुनाव में जाते हैं वायदे भी करते हैं, लेकिन वायदे के साथ साथ हम ये भी दिखाते हैं हमने क्या काम करे हैं। और ये तो आना जाना तो लगा रहता है, कोई भी व्यक्ति पिछले 50 साल में तो नहीं रहा, हर एक का एक वक्त है, आए चले गए, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, इससे पहले चौधरी प्रकाश भी थे, एच के भगत भी थे, रामचरण अग्रवाल भी थे, राधा रमन भी थे, लाला श्यामनाथ भी थे, लेकिन कोई फेस टिका नहीं ना, हर जगह लोग आते हैं चले जाते हैं, हर पार्टी में होता है। शीला जी का अगर सक्रिय राजनीति में होती तो उसका फायदा मिलता? अब ये तो हम ये भी कह सकते हैं आजकल भगत होते तो उनका फायदा मिलता, लेकिन हल क्योंकि लगातार 3 बार इसमें बहस का मुद्दा नहीं है ये। मैंने आपको कहा बहुत साधारण तौर पर कि ये समय हरेक का निश्चित है, समय आता रहता है और जाता रहता है, व्यक्ति आते रहते और जाते रहते हैं, लेकिन मायने पार्टी रखती है। हम पार्टी के नाम से चुनाव लड़ते हैं, पार्टी के नाम से खड़े होते हैं और हमारा हर मुद्दा उससे जुड़ा हुआ है। आपने कहा कि पार्टी के अंदर लोग आते जाते रहते हैं, सीएम कोई और बन जाएगा, कल कोई और आ जाएगा, लेकिन जो भावनात्मक मुद्दे हैं इस देश के अंदर उसको अगर देखें तो आज भी लोग गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं, ऐसा क्यों? गांधी परिवार से सिनेरियो चलता हुआ है कांग्रेस पार्टी का, पसंद करते हैं, उनके लिए इज्जत है,
मन में उनके लिए उनको आदर की दृष्टि से देखते। चलिए बस एक दो सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दिल्ली के अंदर अब क्या आप मानते हैं कि दूसरी पीढ़ी की शुरुआत हो चुकी है, चाहे वो जमाखन का जिक्र हो, चाहे लवली साहब का, हारून साहब का? ये हमेशा होता है सर, मैंने आपको कहा बदलाव ही नियति है। कोई भी चीज कहीं देख ले आप, परिवार देख लें, देश देख लें, कोई पार्टी देख ले, कुछ भी देख ले, फेजेज है ये फेजेज। एक व्यक्ति आता है, वो जाता है, दूसरा आ जाता है, वो जाता है, फिर तीसरा आ जाता है। ये सिस्टम रुकता नहीं है, सृष्टि का सिस्टम है। कुछ दिनों पहले बात आई कि लवली साहब और माकन साहब की बन नहीं रही, हालांकि उन्होंने कहा कि हम लोग अमर अकबर एंथनी की तरह हैं, मैं, हारून और अरविंदर सिंह लवली। तो क्या आप मानते हैं कि वाकई में संगठित होकर तीनों दिल्ली के लिए कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, 100% तीनों साथ हैं। अच्छा, अगर सीएम के चेहरे की बात करें तो कोई सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया, भले ही अजय माकन को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया हो, तो क्या फेस अजय माकन का ही होगा सीएम के लिए? ऐसा होता नहीं हमारे यहाँ, जहाँ चीफ मिनिस्टर होते हैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, जहाँ नहीं होते वहाँ प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। अब ये तीनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, सीएमपी लीडर जो है और पीसीसी प्रेसिडेंट और अजय माकन साहब। अगर हम राष्ट्र नेतृत्व की बात करें तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी का जरूर नाम आता है, लेकिन लोकसभा चुनाव हो या उसके बाद के विधानसभा चुनाव हो, जहां जहां प्रचार किया कांग्रेस पार्टी फली फूली नहीं है। अब क्या लगता है कि राष्ट्र नेतृत्व में कुछ बदलाव की आवश्यकता आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता सर, हम तो सब कांग्रेस का तो एक एक सिपाही उनमें बहुत आस्था रखते हैं, क्योंकि बदलाव की अब जरूरत हो रही है, क्योंकि लोग कहेंगे प्रियंका गांधी को लाओ, आपको लगता है कि प्रियंका गांधी को लाना चाहिए? वो भी सब उसी का हिस्सा है, वो कौन सा अलग है? प्रियंका जी को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सर सवाल ये नहीं है, ये फैसला कोई एक आदमी नहीं लेता, ये हमारी जो प्रेसिडेंट है उनका फैसला होगा, वो क्या फैसला कब लेती है, लेकिन उस परिवार से सब कांग्रेसी दिल से जुड़े हुए। राहुल गांधी जो कहा जाए कि अध्यक्ष बनाइए राहुल गांधी को पार्टी का, आप उसे सहमत हैं, बनने चाहिए? ये फैसला भी उन्हीं का होगा। चलिए अंतिम सवाल दिल्ली की सियासत को लेकर कर लेते हैं, दिल्ली में किस तरह की चुनाव की तैयारियां कांग्रेस पार्टी की हैं और क्या उम्मीदें हैं आपको दिल्ली, क्योंकि 8 सीटों से ऊपर के सर्वेज में भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं? मैं सर्वे नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारा दिल्ली वालों के साथ दिल्ली लगाव है, जुड़ाव है, और हर आदमी हमारे यहाँ कांग्रेस में सेवा की भावना से काम करता है। गरीब आदमी की अगर कोई आवाज उठाता रहा तो कांग्रेस ही उठा। तो सर चुनाव कैसे जीतेंगे, अब इन भावनाओं से ऊपर उठकर कैसे काम होगा? ये भावना ही चुनाव जीत पाती है, अगर आपकी भावना नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। राहुल गांधी को कुछ नया करने की जरूरत है? अब दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली वाले करेंगे, राहुल जी को तो हम बुलाते हैं ताकि वो हमारा समर्थन करें। चलिए धन्यवाद जेपी साहब से बातचीत करने के लिए। तो राजधानी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में है, शीर्ष नेतृत्व तो भी जो है चुनाव प्रचार में जुटा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में कितनी सीटें मिलती हैं। कैमरामैन अरुण डोगरा के साथ सचिन वर्मा, वीआईपी न्यूज। जो झूठ बोलते हैं उनको जनता ही पराजित कर देती है। इतने झूठे हर चीज में झूठ बोलते। 49 दिन की सरकार, दिल्ली हुई बेहाल, यू टर्न के जरिए।